हाय गाइस, इस हफ्ते की बड़ी रिलीज है डियर जिंदगी। इसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट देखे जाएंगे और इन्हें डायरेक्ट किया है गौरी शिंदे ने। प्यार, ब्रेकअप और फिर उसे दोहराना। वास्तव में ये जानते हुए कि प्यार इतना मुश्किल है, हम इस रास्ते पर चलते ही क्यों हैं? मंडे इतना मुश्किल और इतना ब्लू क्यों होता है? क्या आप टूटे हुए लोगों या दिलों को भी रिसाइकल कर सकते हैं? इन सवालों का सामना आपको और मुझको हर जिंदगी के पड़ाव पे करना पड़ा है। कभी हमें कामयाबी मिलती है और कभी हम टूट जाते हैं। डियर जिंदगी इन्हीं सवालों और उनके जवाबों पर आधारित एक फिल्म है। जिस पल आलिया भट्ट स्क्रीन पर आती हैं, हम सिर्फ एक 23 साल की एक लड़की नहीं बल्कि एक बॉर्न एक्टर को देखते हैं। डियर जिंदगी के प्रोमो मटेरियल को देखते हुए ये लगता है कि ये आलिया भट्ट की यादगार फिल्मों में से एक रहेगी। शाहरुख खान एक स्टार नहीं, एक सुपरस्टार है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक गेस्ट रोल करने का फैसला लिया। ये काफी साहसिक फैसला है और जब भी शाहरुख खान ने इस प्रकार के साहसिक फैसले लिए हैं, तो उस फिल्म को देखने पर हमें पछतावा नहीं हुआ। फिल्म में आलिया के लाइफ कोच बने शाहरुख कुछ मुश्किल सवालों के जवाब देते हुए देखे जाएंगे। श्रीदेवी स्टारर इंग्लिश के बाद गौरी शिंदे एक बार फिर एक अलग कॉन्सेप्ट की फिल्म करती हुई देखी जाएंगी। हम इस फिल्म के इस मजेदार चार्म में कैद होना चाहते हैं। अली जफर, अंगद बेदी और कुणाल कपूर की तिकड़ी को देखा गया है, लेकिन अभी तक फिल्म के ट्रेलर में सुना नहीं गया। ये एक्टर्स फिल्म में एक अलग ही मजा लेके आएंगे और हम खास तौर पर ये देखना चाहते हैं कि अली जफर को इस फिल्म में अच्छा खासा रोल दिया गया है या फिर उन्हें भी ए दिल मुश्किल में फवाद के कैरेक्टर जैसा ही रोल मिलेगा। देखते हैं कैसे साबित होती है डियर जिंदगी इस फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर।